महाराष्ट्र की बदलती राजनीति की ये तीन तस्वीरें राजनीतिक दलों की सभी तरह की जोर आजमाइश की गवाह हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक गहमागहमी शनिवार को भी जारी रही। शनिवार दोपहर उद्धव ठाकरे शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी बागियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के मूड में है। बागी शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने पार्टी में दो तिहाई बहुमत का दावा करते हुए शिवसेना बाला साहब ठाकरे के नाम से अलग गुट की बात कही। जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है उनके ऊपर कठोर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक रेजोल्यूशन के नाते उद्धव ठाकरे साहब को दिए है। बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है वो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। हम लोग अभी भी शिवसेना में है, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैली जा रही है कि हम लोगों ने शिवसेना छोड़ी है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम सिर्फ अपना गट अलग कर रहे हैं और जो बाला साहब की विचारधारा है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, हमारे पास जो बहुमत चाहिए वो बहुमत हमारे पास है, दो तिहाई बहुमत हमारे पास है। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के दूसरे दलों और विपक्षी खेमे में मौजूद भाजपा के नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष रामदास अठावले और अन्य भाजपा नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके आवास पर मुलाकात कर स्थिति पर मंत्रणा की। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने बताया कि पार्टी कानूनी टीम की मदद ले रही है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने बताया कि हमें कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, वेट एंड वॉच पर हम लोग है और आगे क्या होगा हम देखेंगे, लेकिन अभी हम हमारा कोई ये झगड़े में हमारा कोई संबंध नहीं है। जो स्थिति है आज की उस पर विचार विनिमय आज हमने किया है। हमारा सरकारी जो सरकार है, हम महाविकास आघाड़ी का सरकार, उस पर हम काम कर रहे हैं। जो सिचुएशन पॉलिटिकल है वो है, उस पर भी हमारे लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली से भी हमारी कांग्रेस की जो लीगल टीम है वो भी मदद कर रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बयान से कानून व्यवस्था को लेकर आशंकाएं गहरा गई हैं। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पार्टी के बागी विधायकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और खारघर में पार्टी कार्यालय के बाहर पुतला फूंका। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पार्टी विधायक तानाजी सावंत के कार्यालय में तोड़फोड़ की तो ठाणे में शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने ठाणे के बाद मुंबई में भी धारा 144 लागू कर दी है। इससे पहले बागी विधायकों का नेतृत्व कर रहे शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे पहले ही एक पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ को बागी विधायकों के परिवार और उनकी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर चिंता जता चुके हैं। शिंदे ने राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा बागी विधायकों के परिवार की सुरक्षा से समझौता करने का भी आरोप लगाया था, जिसका खंडन गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने किया। अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने गृहमंत्री अमित शाह से शिवसेना के बागी विधायकों को सुरक्षा देने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुरोध किया है। होम डिपार्टमेंट ने ये निर्णय लिया है कि ये सारी परिस्थिति ध्यान में रखते हुए जो MLAs हैं उनके फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए उनके घर को भी सिक्योरिटी दी जाए। जितने भी विधायक जो बाला साहब के विचारधाराओं पे लेकर, हिंदुत्ववादी विचारधाराओं को लेकर उद्धव ठाकरे को छोड़कर अपनी विचारधाराओं से बाला साहब ठाकरे के विचारधाराओं से जुड़कर वो अलग अपनी निर्णय ले रहे हैं, उनके परिवार को सिक्योर करना ये हम सबकी जवाबदारी है। और मैं अमित शाह जी से विनंती करूंगी कि उनके परिवार को सिक्योरिटी दी जाए और राष्ट्रपति शासन ये महाराष्ट्र में लगाया जाए। एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर कार्यालय ने समन जारी कर दिया है। वहीं शिवसेना ने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल न होने पर भी सभी को नोटिस जारी किया है। बिहार के पटना में सुल्तानगंज इलाके में निगरानी विभाग की टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने नोटों से भरे 5 बोरे, दर्जनों जमीन के कागजात, सोना चांदी के आभूषण, 4 लग्जरी कार और कई बैंकों के ATM कार्ड जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि निगरानी टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर के घर पर छापेमारी की थी। गोला रोड में उनका एक निजी ऑफिस है, यहाँ पर भी छापेमारी की गई है। निगरानी टीम ने इसके अलावा गया जिले में ड्रग इंस्पेक्टर के प्राइवेट फार्मेसी, कॉलेज और फ्लैट में छापेमारी की है।
निगरानी विभाग की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। छापेमारी के दौरान कैश जेवरा समेत प्रॉपर्टी के कई दस्तावेज हाथ लगे हैं। दरअसल ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के खिलाफ निगरानी विभाग ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। कोर्ट से छापेमारी की इजाजत मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक निगरानी विभाग की टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के पटना सिटी के सुल्तानगंज, पटना के गोला रोड, जहानाबाद और गया के ठिकानों पर छापेमारी की। टीम ने करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने का खुलासा किया है। आपको बता दें, निगरानी विभाग के अधिकारी का कहना है कि जितेंद्र के चारों ठिकानों पर छापेमारी जारी है, जब्त सामानों का आकलन किया जा रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब तक करीब 4 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद किए गए हैं। नोटों की गिनती के लिए नोट गिनने वाली मशीनों को भी मंगाया गया है। निगरानी विभाग के DSP सुरेंद्र कुमार मुवार ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति मामले में ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है। इसी FIR के आधार पर 25 जून को जितेंद्र कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की। अभी तक भारी मात्रा में कैश, कई जमीन के कागजात, सोने चांदी के आभूषण, 4 लग्जरी कार समेत कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आरोप है कि ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने सरकारी नौकरी करते हुए जमकर भ्रष्टाचार किया है। इसके अलावा लगातार उनके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। जितेंद्र पर लगे आरोपों की राज्य सरकार ने जांच करवाई। जांच सही पाए जाने के बाद निगरानी विभाग ने इनके खिलाफ कार्रवाई की और 25 जून को एक साथ 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तो देखिए, ये एक छोटा सा बच्चा सफाई कर रहा है। आपको लग रहा होगा एक छोटा सा बच्चा सफाई कर रहा है, लेकिन आज मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा। ये देखिए कैसे साफ कर रहा है। अब बताऊंगा, सुन, रुपए तो ले जा, ऐसे ही जा रहा बिना रुपए लिए। पैसे ही लेगा? पैसे नहीं लेगा भैया, पैसे दे दो। पैसे लेगा ना, तो ऐसे तो साफ करके चलती है, पैसे तो ले लेता। बस ऐसे ही साफ करते हो तुम लोग, पैसे ही लेते। पैसे लेता है ना, कितने पैसे को जा रहा था। अच्छा ये बता, ये घड़ी है तेरे हाथ में? हाँ। दिखाइए जरा, पकड़ 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 पकड़। अभी बताऊंगा इसकी पूरी कहानी, एक बार ये हाथ आ जाए। पकड़ 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 पकड़। तो मैं बताता हूँ इसकी कहानी क्या हुआ। ये पता नहीं कहाँ चला गया उसे पकड़ने। ये तो अकेला ही आ रहा, भाग गया उसे। क्या हुआ, आया नहीं क्या पकड़ में? भाई वो भाग गया खेत में कूद के। खेत में कूद के भाग गया? आ जा, तुझे पता चला क्या करा उसने? पता नहीं, सफाई तो कर रहा था वो। तुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ? मैं बताता हूँ, देख क्या हुआ। ये क्या है? ये तो फास्ट टैग है। हाँ, ये फास्ट टैग है। और जब मैंने उससे पूछा कि घड़ी 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 है ये, तो ठीक है, पहली चीज तो ये कि वो गाड़ी साफ करने वाला, उसके हाथ में इतनी महंगी घड़ी क्या कर रही, महंगी लग रही थी। हाँ, वो एप्पल जैसी लग रही थी। ठीक है, एप्पल जैसी नहीं है वो, ठीक है। और उसने यहाँ से गंदा है, यहाँ से गंदा है, वो आया इधर, दो कपड़े मारे और सीधा फास्ट टैग पे आ गया, ऊपर चढ़ गया था। हाँ, ऊपर चढ़ गया। और तूने देखा, पहले वो सीधे हाथ से कर रहा था, और जब फास्ट टैग पे आया ना, तो उसने उल्टे हाथ से ऐसे करा। अच्छा, मुझे उल्टे हाथ से वो क्या करा, तो अब मैं समझाता हूँ कहानी क्या हुई है। लोग भी सोच रहे होंगे कि ये हुआ क्या, मतलब क्या ही था, वो आया ऐसे, हम फिर उसने घड़ी की पूछी हमने, वो भाग गया। तो ये ना अभी नया स्कैम शुरू हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, इसे भी नहीं पता, ये लोग क्या करते हैं कि आते हैं, इन्होंने उनके जो गाड़ी साफ करते हैं रेड लाइट पे, या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं भीख मांगने वाले, कुछ बंदों ने उनके हाथ में, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं इन बच्चों को पता होगी, उनके हाथ में घड़ी दे रखी है जिसके अंदर है स्कैनर, और जो गाड़ी साफ करते हैं और फास्ट टैग पे ऐसे करते हैं, तो फास्ट टैग पे हो जाता है स्कैन। अब तुम्हारे पेटीएम में जितने भी फास्ट टैग में पैसे हैं, वो जितनी बार करेंगे उस हिसाब से वो फिक्स रखते हैं कि इसमें इतने रुपए कट जाएंगे, इसमें इतने रुपए कट जाएंगे, वो जैसे करता रहेगा उतने रुपए कटते रहेंगे। ये अभी अभी नया स्कैम आया, मेरे साथ एक बार और पहले हो चुका, तो क्योंकि मैं ऐसे ही जा रहा था, एक रोड पे गया और मेरे पास मैसेज आया, फिर मैंने देखा कि मेरे माइंड ने काम करा कि ऐसा तो मतलब ऐसे कैसे हो गया, फिर मेरे माइंड ने काम करा कि वो बंदा था, उस वो भी सेम ऐसे कर रहा था कि सीधे हाथ से कर रहा, फिर उल्टे हाथ से करने लगा। उल्टे हाथ से क्या करने का मतलब है, और गरीब बच्चा है, उसके हाथ में इतनी महंगी घड़ी क्या ही कर रही है।
तो ये यार तुम लोग थोड़ा देख के करो, अगर कोई साफ कर रहा है ना तुम्हारी गाड़ी तो एक बार चेक कर लेना कि उसके हाथ में है तो नहीं, और अगर है तो समझ जाओ कि तुम्हारा पेटीएम खाली। पैसे कट जाते उससे? हाँ भाई, अब देख अभी मैसेज आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में कटने को, क्योंकि एकदम तो आता नहीं, बंदे को पता नहीं चलता, थोड़ी देर बाद आता है, जब पता चलता है इतने तो वो हो जाता है। अब वो सोचता है कि बच्चा तो साफ सफाई करने वाला है, क्या ही है। और उसने रुपए भी नहीं मांगे, मैंने जब तो उससे बुला के पूछी थी कि मैं भाई रुपए क्यों नहीं, जो भी वो साफ करके और सीधा चला रहा था, वो जा रहा था, मैं रुपए क्यों नहीं ले रहा भाई, वो रुपए क्यों लेगा, उसने तो ले लिया रुपए, कितने लेने थे, तो स्कैन कर दिया। मैं तो रखता ही नहीं बेटे मैं पैसे भाई। Oh, 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 oh